वेलकम टू द फोर्थ व्लॉग ऑफ मोहित पांडे यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम लोग का किस टॉपिक पे होने वाला है वो तो पता ही नहीं, लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा सितंबर में जाना पड़ेगा। आज से 2 महीने पहले सितंबर में हमने एक व्लॉग लॉन्च किया था, उसका टाइटल था अ बर्थडे ऑफ माई लिटिल एंजल। उसमें मैंने वीडियो भी अच्छा बनाया था, एडिटिंग भी मैंने खराब नहीं की थी, लेकिन उस पर 2 महीने के बाद मात्र 100 ही व्यूज आ पाए। सो गाइज, हम तो अपना 101% दे रहे हैं, बट गाइज आप लोग अपना फुल सपोर्ट नहीं दे रहे हो। सो गाइज, पहली चीज ये है कि यार आप लोग अपना पूरा सपोर्ट हमारे वीडियो पे दीजिए। हम तो अपना 100% देंगे, बाकी आप लोगों को ही अपना सपोर्ट हमारे ऊपर देना है। आज का व्लॉग बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, जिसमें हम बिहार के बेस्ट राजगीर और नालंदा टूरिस्ट प्लेसेस को आपके सामने दिखाएंगे। जैसे एक है नेचुरल वाइल्ड सफारी में एक ग्लास ब्रिज है, और बहुत सी जगह है, वो तो व्लॉग में आपको पता चली जाएगी। सो बिना किसी देरी के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। इस वक्त आ चुके हैं दशरथ पाजी के पहाड़ पे। ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ पाजी ने काट के मात्र छेड़ी हथौड़ी की मदद से काट के रास्ता बना लिया था। ये देखिए, और ये दशरथ पाजी का एक स्मारक है। चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन विश्व शांति स्तूप पे, जहाँ 2 रूप में चलते हैं, एक तो खुला वाला चलता है, एक केविन वाला चलता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहुत भीड़ है टिकट काउंटर पे, पता नहीं टिकट मिलेगा भी कि नहीं, जा पाऊँगा भी कि नहीं। कोशिश तो यही रहेगी कि जाऊँ, लेकिन अब तो डिपेंड करता है टिकट के ऊपर, बिकॉज भीड़ बहुत लंबी है। वैसे 11 से 12 बजे का वाला टिकट स्काई वॉक का भी है, तो कोशिश रहेगी कि टिकट जल्दी से जल्दी मिल जाए और हम लोग शांति स्तूप को घूम ले। तो जैसा होगा वो तो आप लोग व्लॉग में देखेंगे ही। आप लोग टिकट काउंटर की ओर जा रहे, वो देखिए भीड़, और ये देखिए बंदर भी हॉलीडे मनाने आए हैं। ये देखिए मंकीज भी आए हुए हैं यहाँ पे। वो देखिए टिकट काउंटर, बाप रे बहुत भीड़ है। मम्मी क्या मिलेगा टिकट, क्या लगता है? उम्मीद तो नहीं लग रहा है, अब तो वही है, जाने में पता चलेगा। बड़ी मेहनत के बाद मम्मी ने टिकट ले तो लिया, पर जो चढ़ने वालों की भीड़ है वो देख के हाड़ कांप जाएगा हम लोग को। ये देखिए इस लाइन को तो देख के लग रहा है नंबर ही नहीं आएगा, बट जाएंगे तो जरूर ही, बिकॉज टिकट इतनी मुश्किल से मिल गया है, तो अब जाना तो है ही। वो देखिए रोपवे का आना जाना लगा हुआ है, ये नए वाले कैबिन रोपवे है, अभी कुछ ही दिन पहले ये स्टार्ट हुए हैं। इसका प्राइस 120 रुपये पर है, और 3 साल से ऊपर के बच्चों को इसमें टिकट लगता है। बहुत ही एडवेंचरस
रोपवे के सफर के बाद हम लोग विश्व शांति स्तूप की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज तो जरूर बता दूं, रोपवे बेस्ट था, एकदम एरोप्लेन वाली वाइब आने वाली है जब बैठोगे तो, कि तो पीछे जरूर देखना, बहुत बढ़िया लगेगा। लाइफ में सबसे ज्यादा मजा इसी में है, समझ रहे हो? तो जरूर एक बार घूम जाना। मार्केट है शांति स्तूप का, काफी बढ़िया मार्केट है, हर चीज है यहाँ पे। इनकी गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह है, ये देखिए छोटा मोटा कुछ आइटम है यहाँ पे, क्लचर वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। देखिए बच्चों के खिलौने भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए पेंसिल, कितनी अच्छी पेंसिल लग रही है, क्यूट सी एकदम है। ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति है, मूर्ति है यहाँ पे। ये देखिए मेरी मम्मी क्या पहनो सब, कौन सा कैप्चर है, देख लीजिए। घूम के आते हैं, चलिए और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोग को पूरे मार्केट को। हल्का फुल्का खाने का भी आइटम मिलता है भैया। ये क्या है, झालमुरी है? अच्छा, बहुत कुछ है भाई मार्केट में, सही बता रहा हूँ। शांति स्तूप का तो मार्केट ही मनमोह लिया यार, शानदार एकदम जबरदस्त। हाय ब्रो, ये देखिए मम्मी को अर्पिता भी साथ में, तुम्हें पापा आगे चल रहे हैं। और ये आ गया विश्व शांति स्तूप, ये देखिए वाव, बहुत सुंदर है सही में। ऊपर से लंगूर यहाँ पे अलग है, अलग है सब, देखिए वाव, वे टू शांति स्तूप, बहुत सुंदर एरिया है, एरिया यार। ये देखिए स्तूप, वाव ये कितना, ये देखिए लंगूरों के फाइट हो रहा है जैसे लग रहा है, सीरियसली। ये स्तूप है, बहुत सुंदर स्तूप है, स्तूप है राजगीर का, बहुत सुंदर। अभी एक ट्रेंजर्स बाकी है। हाँ अभी तो ग्लास ब्रिज बाकी है गाइस, मम्मी ने वही कहा, अभी तो ग्लास ब्रिज बाकी है, लेकिन अभी जहाँ आए वहाँ घूम लेते हैं पहले। तो ये देखिए थोड़ा और ऊपर जाना, तो इसके लिए पहले आपको शूज उतारने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज टेक आउट योर शूज, और फिर ही आपको आगे जाने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग प्रे कर रहे हैं अपने गॉड से, और सही है गौतम बुद्ध की मूर्ति, बहुत सुंदर, वाह। इसको बहुत देर से दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, अब एकदम पास से रिकॉर्ड करेंगे इसको आप लोगों के, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार। हम लोग ये जो पहली डेस्टिनेशन थी विश्व शांति स्तूप, वो हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग अपनी सेकंड डेस्टिनेशन स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के ऊपर मूव करेंगे। हम लोगों ने 11 से 12 बजे का स्लॉट बुक किया था, 11 बज भी गया है, कभी हम लोग को लेट ना हो जाए, हमको यही डर लग रहा है। लेकिन अब हम लोग कुछ देर में पहुँच जाएंगे स्काई वॉक पे भी, क्योंकि हम लोग का पहला प्लान तो था कि पहले स्काई वॉक ही करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बच गया तो हम लोग पहले शांति स्तूप कर लिए। लेकिन अब हम लोग जाएंगे अपने ग्लास ब्रिज की तरफ, तो चलते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ, लेट्स गो। सो ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में, और यहीं पे ही स्काई वॉक है। ये देखिए यहाँ पे मम्मी पापा टिकट वगैरह दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत सुंदर है। हमारी ये जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यही है, वो बहुत स्पेशियस बना है। और पहले जो नेचर से
ये सफारी है वो एकदम जुड़ी हुई है नेचर, इसमें साफ साफ दिख रहा है एकदम नेचर से जुड़ा हुआ ये सफारी है। बहुत देखिए इसके बड़े बड़े बोट्स शानदार। उधर देखिए राजगीर के प्लेट्यू दिख रहा है ऊपर से। राजगीर का प्लेट्यू बहुत फेमस है सीरियसली यार, राजगीर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे ना प्लेट्यू है राजगीर के, तो बहुत फेमस है राजगीर के पठार। ठीक है ये देखिए, ये कुछ शानदार मूर्ति वगैरह बनी है। देखिए ये देखिए लपट की मूर्ति बनी है, देखिए लियोपार्ड की मूर्ति, ये हिरन वगैरह की मूर्ति बनी है, वो भालू वगैरह की, शेर वगैरह की, सो बहुत जगह की मूर्ति भी बनी है। हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, बिकॉज हम लोग को जल्दी अब ग्लास ब्रिज की तरफ जाना है। और ब्यूटी दिखाते हैं आपको, ये देखते चलिए मेरे साथ। राजगीर घूम रहे हो, गौतम बुद्ध की मूर्ति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो अधूरा है राजगीर का सफर। एक मूर्ति से पूरे बिहार को दर्शा दिया। राजगीर का म्यूजियम है, देखिए प्लेनेट वगैरह, वो इतनी भीड़ है कि मैं दिखा ही नहीं पा रहा, बट जो जो मेरे उसमें है वो मैं दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए हमारी अर्थ को दो पिक्चर जगह दिखाया गया है, देखिए शानदार तरीके से। और ये देखिए कि मिट्टी का कुछ इन लोगों ने बनाया है जो बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। चीज ये देखिए कुछ, ये देखिए मानव कैसे बना, पहले बंदर फिर थोड़ा और बड़ा हुआ फिर हल्का और बड़ा हुआ, देखते देखते एकदम इंसान। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है कि कैसे हम मानव बने। केशियन लॉयन टाइ लॉयन है, ये फीमेल लॉयन है, ये लियोपैड है, ये भी लियोपैड है, ये कौन सा जानवर है, ये क्या नाम है इसका, स्लोथ बियर नाम है इसका स्लोथ भालू, ये संभार है, और ये कौन सा है, ये स्पॉटेड डियर है चाइना में, स्पॉटेड डियर चाइटल क्या, तो नाम भी बड़े भयंकर भाई। हॉग डियर है ये क्या, ये बार्किंग डियर है, और ये ब्लैक बक है। ये देखिए गाइस 3D थिएटर है यहाँ का, बहुत सुंदर बना है ये, अंदर से लाइटिंग यहाँ बहुत बढ़िया लगा है, लाइटिंग यहाँ का बहुत बढ़िया लगा है। और देखिए आगे चल के सिनेमा हॉल की तरह है एकदम ये। सब लोग आ चुके हैं राजगीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 7D थिएटर में, जो काफ़ी सुंदर है और एकदम 3D वाली फीलिंग आने वाली है आप लोगों को इसमें। ये देखिए द ओशन बायोस्कोप, ये देखिए अंदर से पूरा का पूरा फुल ऑफ लाइट्स और लाइट्स से बना हुआ ये है, और स्क्रीन इसकी बहुत बड़ी है, क्या कहना स्क्रीन का, तो कहना ही नहीं है भाई। मतलब बिहार में ऐसा आप घूमने की जगह है, लोग कहते हैं बिहार में घूमने की जगह नहीं है, बट असल में आप देखिए भाई, आप लोग देख लो, तो ये जो स्टीरियो टाइप बना हुआ है ना उसको निकाल दो मन में से। ठीक है 20 मिनट की मूवी है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग ग्लास ब्रिज की ओर जाएंगे, और फिर ग्लास ब्रिज घूम के फिर बताता हूँ मैं अब आगे की डेस्टिनेशन क्या होगी। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। वीडियो डाला नहीं था 7D थिएटर पर, बट 7D थिएटर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सही में। मम्मी कैसा लगा यार एक्सपीरियंस बताओ, बढ़िया लगा था ना सही में ना। चलो आप जा रहे हैं बस पकड़े और अब ग्लास ब्रिज को दिखाएंगे। भाई वीडियो तो जैसे यूट्यूबर दिखाते हैं भाई डर ही लगता है। नहीं मम्मी कुछ डर तो बहुत है, लेकिन अब जैसा होगा तो भाई हम लोग का जैसा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। ठीक है फिर अब बस में जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे बस का अंदर। फाइनली करीबन 1 घंटा 30 मिनट के बाद हम लोगों को बस में जगह मिल गई। मम्मी बताओ यार कैसा लगा लाइन में खड़े होके, हालत खराब हो गई सीरियसली। अब ग्लास ब्रिज जाएंगे और अब आपको दिखाएंगे कि ग्लास ब्रिज कैसा है, तो चलते हैं। Thank you.
देखिएगा गाइस हमारा स्काई वॉक एकदम दिख रहा है आपको। थोड़ी थोड़ी लाइट बढ़ेगी, जैसे ही लाइट में हमारी नंबर आएगा हम आपको दिखाएंगे क्लास में। ग्लास ब्रिज पे आ चुके हैं, नीचे का सीट देखिए, ओ माय गॉड। वैसे तो लोग कहते हैं काफी डर की बात है, मगर उतना डर लग नहीं रहा है। वाव, बहुत व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ से। ग्लास ब्रिज, हियर वी गो, व्हाट अ प्लेस दिस इज। बहुत ही देर के बाद हम लोग ग्लास ब्रिज घूमे और आपको दिखाए भी। बस यही कहूँगा, ग्लास ब्रिज पहुँचने तक का रास्ता बहुत कठिन है, बिकॉज लाइन रोज बहुत लगती है। तो कोशिश करना सुबह अर्ली आना ताकि घूम लो, ठीक है। और साथ ही साथ रोड्स यहाँ के जो है वो बहुत ही मतलब ख़राब नहीं, वो जानबूझ के बनाई गई ताकि एडवेंचरस हो सके। मैं थोड़ा सा ही दिखा पाया बिकॉज इतना थका हुआ था कि ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन काम भर का मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं वही बस में, हम लोग जाएंगे अपनी कार की तरफ और फिर हम लोग थोड़ा सा लंच वगैरह करके नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर जाएंगे। नालंदा महाविश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले आपको मिलेगा यहाँ का अति सुंदर मार्केट, जहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें आपने शांति स्तूप में देखी थी वही चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं, जैसे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, तरह तरह की लिखने वाली पेंसिल, पेन और बहुत कुछ। नालंदा का मार्केट भी बहुत सुंदर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है नालंदा के वो अवशेष जो एक आर्कियोलॉजी के दौरान मिले। लेकिन एक चीज बताइए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जली कैसे, इसको जलाया कौन? तो एक बेसिक सी स्टोरी है, हल्का सा मैं ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करूँगा। 1193 में एक शासक था अफगानिस्तान का, बख्तियार खिलजी, उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जिसके कारण ये पूरी यूनिवर्सिटी जल गई। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, सो वो तो आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, सो मैं भी आपको और प्लेसेस दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल प्लेस लाइक सीरियसली ये काफ़ी बढ़िया, देखिए इसकी लगे नहीं है, लगता ही नहीं है कि पहले के ज़माने में इतनी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया होगा। शानदार है कि देखिए जले की साफ दिखता है कि कितनी बुरी तरीके से यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। ये देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के वो एरियाज है, और ये
ये मैं जैसे गूगल पर सर्च करती हूँ ना नालंदा यूनिवर्सिटी, तो यही आप लोग को दिखाता है, यही वाला है वो जगह जो गूगल पे दिखाता है आप लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है नालंदा का। ये से पूरा दिखाते हुए चलता हूँ, एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ दिखाऊंगा। मर जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे 10 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। ये क्या है, मनौती स्तूप है, ये है मनौती स्तूप। इतना सारा जगह है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ घूमे, बिकॉज आज दिन भर से घूम रहे थे। आपने ग्लास ब्रिज भी दिखाया, आप लोगों को शांति स्तूप भी दिखाया, तो बहुत सारी जगह है राजगीर नालंदा एक दिन में कवर नहीं हो सकता। अगर आपको बहुत सारी जगह मतलब बाकी सारी वाली जगह घूमनी है तो 2 दिन तो कम से कम रखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट जगह हम कवर करते हैं। देखिए ये देखिए, ये भी बहुत गूगल पे वाली पिक्चर दिखाते हैं, शायद ये कोई क्लासेस हो सकती होंगी या ये छोटे छोटे मंदिर होंगे। देखो मंदिर, ये छोटे छोटे मंदिर हो सकते हैं आई थिंक, ये सब। अच्छा मैं क्या सोच रहा था ना, थोड़ा ऊपर भी जाके ना व्लॉग लूँगा, लेकिन दिक्कत ये हुई ना, मैंने परमिशन ली तो अलाओ लोग नहीं करते कि आप ऊपर जाके ले सके, नहीं तो मैं जरूर आप लोग के लिए ऊपर में दिखाता हूँ आप लोग को। बट मैंने तो इम्पोर्टेंट जगह काफ़ी हद तक दिखा दी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अधूरा ही मैंने छोड़ दिया, मैंने दिखा दी है इम्पोर्टेंट जगह। भारत क्या था ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी ही हमें बताती है, अब इसको छोड़ने का समय आ गया है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक बात कहूँगा, वो बात ये है कि ये एकमात्र महाविश्वविद्यालय था जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता था। यहाँ बड़े बड़े विज्ञानी पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। बख्तियार खिलजी ने भले ही इस जगह को जला दिया, लेकिन इसकी संस्कृति हमेशा वैसी की वैसी ही पवित्र बनी रहेगी। तो भारत की संस्कृति से अगर मोहब्बत है तो यहाँ घूम जाओ। अलविदा नालंदा, मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा। ओके गाइस, आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आज का जो व्लॉग था उसमें बहुत एडवेंचर था, बहुत कुछ था, वो आप लोग को पसंद आया होगा यार, बिकॉज आज सुबह से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है ग्लास ब्रिज पे चढ़ने के दौरान मैं गिर भी गया था रास्ते में, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ था गाइज। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार एक लाइक दे देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दे रहा, सब्सक्राइब कर दोगे तो बेल आइकन की घंटी क्यों ही नहीं दबाओगे, बिकॉज स्टे अपडेटेड तो रह रही है भाई। मैं हर बार कहता हूँ जल्दी से जल्दी ब्लॉग आएगा, तो कोशिश तो ये रहेगी ब्लॉग फिर से मैं नया लाऊं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।